मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व का और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, ओम प्रकाश धनखड़ का, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता जो अनुसूचित जाति समाज को इतना बड़ा पूरे प्रदेश में जो सम्मान दिया है, तो मैं सर्व अनुसूचित जाति समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी संगठन का और नेताओं का, केंद्र और प्रदेश के नेताओं का धन्यवाद करता हूं। दूसरी सीट भी आपने जीत ली है बीजेपी ने, क्या इसमें निश्चित तौर पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी भावना थी। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को आगे बढ़ा सकती है, इसलिए अंतरात्मा से निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिक शर्मा को वोट देकर ये साबित कर दिया कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की देश को आगे ले जाने में आवश्यकता है। राज्यसभा में क्या प्रेफरेंस होगी आपके लिए? जो भी प्रदेश के मुद्दे होंगे हम निश्चित तौर पर उनको उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। सर, इसके बाद आपका एरिया कौन सा आप डिसाइड करेंगे? एरिया पूरा प्रदेश हमारा है। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए अभी तो आपके सामने डिक्लेयर होया है, ओथ होगी जब मैं मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर राज्यसभा के बीच ओथ लेके आऊंगा, ये सवाल जब पूछूंगा। ठीक है जी, भारत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।